वर्ल्ड कप 2023 अब एक ऐसे पड़ाव में चल रहा है जहां हर टीम को सेमीफाइनल के रेस में रहने के लिए अपने सारे मैच जीतने होंगे। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 25वां मैच खेला जाएगा। इस मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम आमने सामने होंगी, जबकि पॉइंट टेबल में इन दोनों टीमों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। श्रीलंका की टीम 7वें स्थान पर है तो इंग्लैंड की टीम 8वें स्थान पर मौजूद है। बिल्कुल आपने सही सुना, वो इंग्लैंड की टीम जिसके पास पावर हिटर हैं, जिसके पास जॉनी बेस्टो, जिसके पास जॉस बटलर, जिसके पास बेन स्टोक्स, और वो टीम 8वें स्थान पर है। आप अंदाज़ा लगाइए, 2019 वर्ल्ड कप के विजेता, इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले उस टीम को लोग बता रहे थे कि ये टीम वर्ल्ड कप लेकर जाएगी, यानी कि जो हवा बना था वो पूरा हवा इंग्लैंड की टीम का धरा रह गया। और वो इंग्लैंड की टीम नीदरलैंड जैसी टीम से आती है, और वो इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान से आती है, वो इंग्लैंड की टीम जिसके पास पिंच हिटर हैं, पावर हिटर हैं, सबसे तेज बॉलिंग करने वाली उनके पास पेस अटैक है, वो इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका से आती है। वास्तव में अगर बात की जाए तो इन दोनों ने अभी तक चार चार मैच खेले हैं, लेकिन सिर्फ एक मैच में जीत नसीब हुई है। अब देखना होगा कि आज कौन सी टीम बाजी मारती है। अगर बात की जाए इंग्लैंड की मौजूदा हालत की, तो इंग्लैंड इस वक्त वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में डिफेंडिंग चैंपियन है। उनके खेलने का अंदाज काफ़ी अलग और तेज तर्रार है। बिल्कुल सही आपने सुना, जिस तरीके से इसके पहले इंग्लैंड की टीम चढ़कर खेलती थी, यानी कि पावर प्ले 10 ओवर में 100 रन, 90 रन, 80 रन, इस तरीके से, और इस वर्ल्ड कप में मानो जैसे उनके बैटिंग लाइनअप में या उनके बैट्समैनों के बैट में जंग लग गया हो। अगर बात की जाए इन कारणों की वजह से, इस वर्ल्ड कप की शुरू होने से पहले इंग्लैंड को एक बार फिर विश्व विजेता बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों एक करारी हार झेली। हालांकि उसके बाद उनकी टीम ने बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट में वापसी की, लेकिन फिर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के हाथों हार कर उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचने की राह काफ़ी मुश्किल बना ली। अगर बात की जाए वहीं श्रीलंका की, तो मौजूदा हालत उनकी जो है, वो श्रीलंकाई टीम पिछले कुछ महीनों से काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल रही थी और वर्ल्ड कप में क्वालिफायर्स में लगातार मैच जीतते हुए आ रहे थे। एशिया कप में भी श्रीलंका ने फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि फाइनल में भारत के हाथों श्रीलंका को बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उन्होंने भी अभी तक सिर्फ एक मैच जीता है, जबकि तीन मैचों में हार का सामना किया है। वहीं आपको बता दें कि ये मैच बेंगलोर के एन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाला है। यहाँ की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए बेहतर मानी जाती है। आपने देखा होगा पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ पर 370 से ज़्यादा रन बनाए थे। यहाँ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ज़्यादातर मैच जीतती है। वहीं अगर बात की जाए श्रीलंका और इंग्लैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों लगभग समान ही हैं, यानी कि दोनों टीमों के बीच एक दूसरे के साथ अब तक 78 वनडे खेले गए हैं, जिसमें 38 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है तो 36 बार श्रीलंका को जीत मिली है। अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड कप में भिड़ंत की, यानी कि तो 11 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें 6 बार इंग्लैंड तो 5 बार श्रीलंका को जीत मिली है। अब एक नज़र डालते हैं इस मैच में जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो इस समय फॉर्म में नहीं हैं। जब बात आती है डेविड मलान की, जब बात आती है जॉनी बेस्टो की, बात आती है जो रूट की, और जो इस वर्ल्ड कप में शामिल हैं हैरी ब्रूक। इसके पहले आपने देखा होगा कि हैरी ब्रूक का बल्ला जो है वो टेस्ट मैच में भी बेहतरीन चलता था, यानी कि वो बल्लेबाज जिसका स्ट्राइक रेट 90 प्लस हो टेस्ट मैच में, वो आपके पास है। बेन स्टोक जैसा एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जो 2019 का वर्ल्ड कप आपको जिताता है। जो रूट जिसके पास बढ़िया क्लास आना कि जो रूट इस पूरे वर्ल्ड कप में अच्छे फॉर्म में नजर आए, लेकिन फिर भी आपकी टीम जो है इस समय 8वें स्थान पर है। हम बात करते हैं लियम लिंगस्टोन की, हम बात करते हैं जॉस बटलर जो उनके कप्तान हैं। जॉस इज द बॉस उनको बोला जाता है, और वो जॉस इन द बॉस कहाँ गायब हो गए हैं? आखिर उनके बैट को हुआ क्या है? कप्तानी के चक्कर में क्या वो अपने बैट चलाना भूल गए हैं? क्योंकि अगर जॉस बटलर चाहें तो किसी भी गेंदबाज को बैकफुट पे ढकेलने में खुद में वो सक्षम है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल इसके अनुरूप देखने को मिला। चाहे जॉस बटलर हो, चाहे लिंगस्टोन हो, चाहे डेविड मलान, या फिर चाहे जॉनी बेस्टो क्यों ना हो जो ओपनिंग करने आते हैं, हर गेंदबाजों से उनको प्रॉब्लम हुई। आप ये भी देखेंगे इस मैच में डेविड विली,
सैम कुरैन, आदिल रशीद या आप कह सकते हैं मार्क वुड, जो सबसे तेज गेंद फेंक रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। इनके पास बॉलिंग अटैक अच्छी है, इंग्लैंड की फील्डिंग अच्छी है, लेकिन फिर वही बात आके रुकती है कि जो करंट फॉर्म है क्रिकेट में, केवल आपका करंट फॉर्म कैसा है ये देखा जा सकता है। अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। कुशल परेरा जो है उनके एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में आप देखेंगे पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका की तरफ से अगर बात की जाए तो समर विक्रमा और उनके जो इस समय कप्तान हैं कुशल मेंडिस, और गेंदबाजी में अगर हम बात करेंगे दिलशान मधुशंका, ये केवल तीन प्लेयर ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड कप में अपना दमखम दिखाए हैं, लड़ने का जज्बा दिखाए हैं। दिलशान मधुशंका की बात की जाए तो मधुशंका ने अभी तक 4 मैचों में 11 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं समर विक्रमा और कुशल मेंडिस दोनों ने 200 प्लस स्कोर खड़े किए हैं। फिलहाल ये मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा, जहां की बाउंड्री बहुत छोटी है, तो ऐसे में आज हो सकता है जॉस बटलर का बल्ला चले, पथु मिशंका का बल्ला चले, या कुशल मेंडिस का चले, या डेविड मिलान का चल जाए, क्या पता आज बेन स्टोक भी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि पिच छोटी है और हो सकता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया इस मैदान पर चेज करते हुए टीम ने लगभग 90% मैच जीते हैं। फिलहाल वर्ल्ड कप के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।